ये खोज नहीं पाते, और कोई धंधे बनाना चाहता तो स्वीकार नहीं कर पाते, मतलब दोनों तरफ से मानते। अल्टीमेटली अगर डैडी ने बोला है कि बेटा पढ़ लो, तो वो ऐसा लगता है जिंदगी में सबसे बड़ा हथौड़ा मान रहा है, वेरी टफ टू मैनेज। सेकेंडली तो जिंदगी हथौड़े मान के तो सहन नहीं होता। अभी कॉलेज में अभी थोड़े दिन पहले ये लड़का मेरे पास आया, काफी उदास, काफी रोता हुआ था, वर्किंग हुआ। मैंने बोला कि भाई क्या, वो बताओ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात, मैं क्या करूँ, कुछ रहा नहीं मुझे। बोला तुमने क्या किया बेटी, वो मुझे बताओ। स्टार्टेड स्पीकिंग, बोलना शुरू किया उसने। फिर मैंने टेंथ के बाद पीजी देने का प्लान किया, तो मैंने कहा ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जब मुझे पढ़ाई की, तो मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स के लिए कर ली, और अच्छी बात है। अब क्या है मिस्टर, मैंने सुना है कि कॉमर्स के अंदर एमबीए वगैरह जैसी डिग्री होती है, मैं कर लूँ कर लूँ, तब एमबीए की पढ़ाई नहीं होती, मैं बोला फिर आराम करो। ठीक है, तो इससे तो कोई तय होने वाला नहीं है कि तुमसे पढ़ाई नहीं होगी तो जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी, और तुम अगर इंजीनियर नहीं बने तो आईआईटी का कॉलेज भी गिरा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि लगाओ कर साहब के जो बच्चे हैं आईआईटी जो क्लियर किए हैं, ऐसे बच्चे तो होने ही है मिले। आप उन्हें मारो ना करो कुछ भी करो, लेकिन वो तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। तो भैया जिंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें काम करना है वो तो करके रहेगा। आप इंतजार करते रहो कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, और शायद मेरी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी, वो दिन आने वाला होगा शायद, और कभी नहीं आया तो फ्रेंड्स टोटल लॉस, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। पत्रकारिता की बात थी और पर्सनल डेवलपमेंट का सामंजस्य स्थापित करना था, तो मैं दो चीजें लेकर आया हूँ। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस दौरान बोर नहीं होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर काफी सारी जानकारी आप लोगों को दूँ, बट अलॉन्ग विद दैट मैं आपको दो तीन छोटी छोटी सी चीजें और बता सकूंगा। सबसे पहली चीज, एक छोटी सी कहानी जब सर बात कर रहे थे, आप सभी शाम मेरे दिमाग में भी आई, और उसको मैंने व्यक्ति विकास से जोड़कर भी देखा कि एक बार एक बहुत पुराने राज्य का बहुत बड़ा शिल्पकार था, राज्य शिल्पी था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता। एक दिन राजा ने उसे पूर्ण सम्मान के साथ बहुत उच्च पद पर बिठाया, समय बीतता चला गया और उसका बालक जो था वो भी बड़ा होने लगा। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे को भी शिल्पकला में पारंगत करने की कोशिश की, उसने बहुत अच्छे से शिल्पकला सिखाया, उसको स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, और उसने विरोध बनाया, उसकी टेस्ट लेने की कोशिश। उसने कहा राजशिल्पी ने कि बेटा तुम एक मूर्ति बनाओ, बहुत अच्छी मूर्ति बनाओ, और इसका हम टेस्ट करेंगे राजसभा। राजा के सामने अपने बेटे को लेकर आया और उसने कहा ये मेरा बेटा है, कुछ समय के बाद राजा साहब आपकी ये मूर्ति बनाएगा। राजा ने उसे इजाजत दी, परमिशन दी। लड़के ने राजा के सामने बैठाया और उसके बाद मूर्ति बनाना शुरू की। रोज राजा का टाइम देखा, मूर्ति बना, समय बीत गया, राजा की मूर्ति बनी और इतनी जीवंत बनी कि सब लोग आश्चर्य हुए। राज दरबार में रखी तो सारे दरबारी अदालत से सलाम करने चले गए। जब रानियों के महल में पहुंचाया तो वहां पर भी रानियों ने मूर्ति अदालत से सलाम करने लगे, रहते इतनी जीवंत मूर्ति बना डाली, सबने तारीफ की, बहुत तारीफ की। राजा राजा ने उसे बिल्कुल अपार से उसको मालामाल कर दिया। राजशिल्पियों के बिना भी उसके बाद करना लाया हुए बेटा, ये जो कान के पीछे देखता है कुछ बेटा देखता है कि हाँ कुछ है नहीं किया ठीक कर दे। अभी घर फिर मूर्ति बना दो, फिर तारीफ होती, फिर पिता फिर बोलता बेटा यहाँ मिस्टेक रह गई। 10-20-25 बार ऐसा हो गया, लड़का चिढ़ गया कि यार ऐसा बाप है, मैं मूर्तियां बनाता हूँ, नवाना चाहिए करता है, लेकिन मिस्टेक निकाल देता है। पिता क्या तो बोलती है कि वो ना चाहते हुए भी आपको भूल पड़ी, बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता के चश्मे ऐसा फील होता रहता है कि गलती करता है, ये चूक किया इतना बड़ा। और हमें बीतता गया, लड़का एक दिन पिता के पास एक चिट्ठी लिखकर चला गया, मैं अब तभी लौट के आऊंगा जिस दिन आप मेरी तारीफ हमारे लिए आया। आपको दिन बीतते गए, एक दिन पड़ोसी राज्य में जाके वो रहने लगा, वहां एक गुफा के उसने बहुत भव्य माँ सरस्वती माँ शारदा की मूर्ति का निर्माण किया। इतनी इतनी जीवंत की हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
वहां से काफी लग जाता है, गुफा के द्वार में कुछ टक 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 नहीं जाते तो अंदर गया, अंदर जाने का देखो उन्होंने, तो मां सरस्वती साक्षात जमीन पर विराजमान, सारे लोग लेट गए साक्षात प्रणाम, मूर्ति देखी आश्चर्य हो गए, समझ नहीं आया गुरुदेव पे समूह में हमारे बाकी खुल गए, शायद मां शारदा स्वयं पृथ्वी पर आ गई, पीछे से चिल्का का जो बालक था वो आया, उसने कहा कि नहीं ये मूर्ति है, मैंने वो बड़े प्रभावित हुए, दूसरे राज्य के अंदर उसकी शादी पहुंची और वहां पर राजा तो हम देखने आए, बड़ा खुश हुआ, उसने भी उससे अपार धन संपत्ति दी, शादी फैलते फैलते अपने मूल राज्य में आ गई और उसके पिता तक बात पहुंची, पड़ोसी राज्य के अंदर एक ऐसा प्रोफेशन उपकार आया कि बड़ी जीवन मूर्तियां बनाता है, पिता भी जिज्ञास अवश्य देखने आए, देखा तो मास पर सरस्वती सामने साक्षात विराजमान, बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा मूर्ति काल है, वाह कमाल है, जैसे मुझे निकला कमाल है, बहुत अब मेरे बाद जवाब है जो भी उसने कहा, पीछे से पूछ रहे थे दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े फट चुके थे, बिल्कुल अजीब सा लुक हो गया था, वो आया और उसके पिता के चरणों में गिर गया, तो ये बोलने से पिता जो था वो उदास हो गए, वो पत्रकार तो पुत्र पीछे पीछे आया, जिंदगी की सबसे आखिरी सबसे अच्छी मूर्ति तुमने बना दी, अब इससे बेहतर कुछ कभी नहीं बना, क्यों वो इसलिए जब तक मैं तेरे में नीर देख निकालता रहा था, जब तक मैं तेरी कमजोरियों को पकड़ता रहा तो सुधारता और अगर तुमने सुन लिया कि मैं पूर्ण हो गया हूं तो यह अंतिम बात सुन के वाकई तो पूर्ण हो गया, इसके आगे तेरा रास्ता नहीं है।